यूपी के दादरी में अगर मुस्लिम समाज के लोग शादी में डीजे बजाएंगे, आतिशबाजी करेंगे तो उलेमा निकाह में शामिल नहीं होंगे और शादी का बहिष्कार भी करेंगे। रिया में जिस शादी में डीजे बजेंगे आतिशबाजी होगी, ना कोई आलिम उसमें शरीक होंगे दावत के तौर पर और नहीं हाँ, बल्कि अगर गाड़ियों में भी डीजे बजा रहे हैं, ऐसे तो डीजे नहीं बजा रहे। एक साहब अभी बहाने भर रहे थे तो ये नहीं नहीं ऐसे डीजे नहीं बजा रहे, गाड़ी में लड़के बजा रहे हैं, लड़के कैसे बजा देंगे? जिस शादी में डीजे बजेंगे चाहे गाड़ी में हो चाहे कहीं भी हो, ना उलामा दावत में शरीक होंगे ना निकाह पढ़ाने में शरीक होंगे, बल्कि डीजे बजाने वालों की शनाख्त करके उनके जनाजे में भी शरीक ना हुआ जाएगा। यूपी के ग्रेटर नोएडा के दादरी में उलेमाओं ने शादियों और आयोजन पर आतिशबाजी को लेकर अहम फैसला लिया है। ये तय किया गया है कि शादी और दूसरे आयोजनों पर डीजे बजाने और आतिशबाजी करने वालों का बहिष्कार किया जाएगा। जो भी परिवार डीजे बजवाएगा और आतिशबाजी करेगा उसका भी बहिष्कार होगा। कोई भी उलेमा निकाह में शामिल नहीं होगा। उलेमाओं का कहना है कि निकाह में डीजे और आतिशबाजी इस्लाम में हराम है, इसके बावजूद भी लोग डीजे बजा रहे हैं, इसलिए ऐसा फैसला लेना पड़ा।